हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कोई स्पेशल रीज़न नहीं है। आज सोच रहा था जाएंगे सेविंग वगैरह कराएंगे, लेकिन आज है शनिवार तो इसलिए सेविंग कराने नहीं जा सकते। बाकी आपको ले चलते हैं आज का क्या क्या काम किया जा रहा है सब दिखाने के लिए, ठीक है? जय श्री राम दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के मॉर्निंग की। आज हाँ, हमने बनाया नहीं नाश्ता, आज सीधे करेंगे खाने से शुरुआत। और ये हम लोग बना रहे हैं चावल। चावल हमेशा ऐसे ही बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसमें जो प्रोटीन्स है वो मोस्टली इसमें बने रहते हैं। कुकर में बनाने से ढेर सारे नुकसान नुकसान। होते हैं, हालांकि हम लोग शॉर्टकट के लिए उसी से बनाते हैं। और यहाँ पे रखा तेल और ये बना आटा। आज बना रहे हैं हम पराठा, और आज एक झनाटेदार दाल बना चुके हैं ऑलरेडी, ये उड़द की दाल। उड़द की उड़द की दाल, चाहिए, मूंग मूंग की। की, सॉरी, उड़द मूंग जो भी और है। यहाँ बनी है भाजी। और यहाँ पे हमने बना रखी है भाजी। आलू वाह वाह, पते भाजी। हमें पराठे का शेप से कोई मतलब नहीं है। शेप का जो वो होता है मन में भाव, वो बच्चे रखते हैं। एक लेकिन बड़ा पराठा ऐसे तो बनाते एक दो तीन, लेकिन थोड़ा सा कोना हो यहाँ पे, मेरा अपना वैसा अच्छा नहीं कोना होता है। बनाता। तो पराठा अच्छा बुरा क्या होता है? पराठा मतलब बस तेल लगा के रोटी बना लो, वो भी सही है। हाँ, कई लोगों के घर में गोल पराठे हम भी लोग तो रनिंग रूम बांधते में सूखा पराठा बनाते हैं। मैं सोचा हैं। एक दिन मेरे मास्टर बोले कि सूखा पराठा बनाओ। मैं सोचा ये साला सूखा पराठा क्या है। हाँ, ये ऐसे नहीं करते यार, पहले पलटते हैं। पलटती हाँ, ये पलटा ही ये वाला। सरसों का तेल नहीं यूज करते मोस्टली पराठे में। मैंने तो इतना तेल नहीं लगाते भाई, इतना तेल चिमटा दो। हाँ, मास्टर बोले कि सूखा पराठा लेके चलते हैं। मैं बोला साला ये सूखा पराठा क्या है? फिर पता चला कि कुछ नहीं, वो रोटी रोटी का आटा कोई पराठे के शेप में कन्वर्ट करके बस तेल नहीं लगाते। मैं कहा भैया ये तो पागल बना रहे, यही बोलो ना कि रोटी है पराठा कैसे हो गया। लेकिन भुजिया बढ़िया बनाती है रानी। कौन सी भुजिया खाई है? वो भुजिया नहीं, वो जो आप आलू का लेके आते ना, गोल टिकिया। गोल टिकिया। टिकिया सबसे कम नुकसानदायक होता है, इसलिए वही खाता हूँ। देख रहे दोस्तों, पराठा काफी सुंदर बन रहा। अब मैं खाना बनाने लगी हूँ पहले से। अच्छा, कौन बोला? मैं खुद ही बोलती थी, मुझे कोई नहीं बोलना। ये दोस्तों एक नंबर का पराठा। और अभी हम लोग बनाएंगे डेजर्ट में आलू मटर की भुजिया। हाँ डेजर्ट भाई, वो डेजर्ट है, इतना महंगा है जिस हिसाब से। अभी मटर का भाव पता कितना चल रहा है? 60 रुपए 60 रुपये पाव मिल रहा है। और हम लोग रोज लेके आते। मैं कल पूछ के आया मंडी कहाँ पे है यहाँ पे। नहीं, बुरी लेके आओगे? मंडी में चलेंगे तो सीधा 1-2 किलो लेके आएंगे। नहीं, फ्रिज नहीं है ना, तो उसकी फ्रेशनेस अरे चलेगी। तो 1-2 किलो लेके आएंगे तो उसको 2-3 दिन में खा भी तो जाएंगे। उसको क्या नहीं, लाइफ टाइम के लिए थोड़ी रखेंगे। लेकिन अगर फ्रिज हो तो ना, तो अपन अच्छा ला के रख लेती, मटर छील के भी रख लेती। और ये पराठा बन के तैयार। अगला पराठा लाइन में लगा हुआ, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए। ये अगला पराठे अंकल कूद और चुके आज हैं। ही सुबह से इसलिए आपको यहाँ पे दिख गए, क्योंकि आज इनकी ड्यूटी नहीं थी, ड्यूटी नहीं बेचारे कल ही थी। तो आए हैं। हाँ, अभी तो पहले थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाता था, अब तो रेस्ट की उम्मीद भी बहुत कम हो रही है। नॉर्मली हम लोग जितनी लंबी था कल 30 आवर्स या 31 आवर्स की ड्यूटी करके आए कंटिन्यूअस। थोड़ा बीच में रनिंग रूम में गैप मिला, तो नॉर्मली इतना अगर ड्यूटी करके आते तो हम लोग को कम से कम मिलता कितना, 2-3 दिन का कम से कम 48 आवर्स का तो गैप मिलता। पूछ लेना होता। अभी क्या है, अभी जिस हिसाब से हम लोग का क्रू शॉर्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले समय में हम लोग मैक्सिमम, अभी आज खुद ही मुझे डर लग रहा था कल रात से कि ऐसा ना हो तो अर्ली मॉर्निंग उठूँ और कॉल आ जाए, सारा रेस्ट भी नहीं हो पा रहा। तो जो हम लोग असिस्टेंट लोको पायलट इतना ये सोच रहे हैं कि डिसकंफर्ट है, जो लोको पायलट लोग हैं उन लोग का तो ड्यूटी 14+2 में आ जाता है। मतलब 16 आवर का गैप बोला जाता है, लेकिन 14 में वो कॉल करके बोल देंगे हाँ भाई आपकी ट्रेन यहाँ की है तो आप आ जाओ। तो मैक्सिमम हाँ दोस्तों, तो आज आपका दिन तो उम्मीद अच्छा नहीं जाएगा। मनोज चेहरे के साथ शुरुआत जो हुई है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको ही पसंद नहीं आते हैं। नहीं, और मैं पराठे बना रही हूँ, ये पराठे सेक रहे हैं। देखो यार, पता है अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। लोग घर में घर की औरतों को लक्ष्मी तो मानते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट उसका उनका सुपनखा के जैसे करते हैं।
जब ट्रीटमेंट सुपनखा के जैसे करोगे तो वही फिर समस्या है। अगर लक्ष्मी समझ रहे हो तो लक्ष्मी लेकिन सब सुपनखा को कितना बदनाम करती है, वो कितनी अच्छी राक्षसनी थी। क्यों तुमको क्या राखी भेजती थी? अपन देखा नहीं था महाभारत में, सुपनखा नहीं थी वो, हिडिंबा थी। अच्छा देख रो, ये होता है जब आप शॉर्ट ट्रिक में ना नॉलेज गेन करते हो तो आपको सुपनखा और हिडिंबा में कंफ्यूज हो जाएगा। ये महाभारत में रामायण को घुसा रही है। एक्चुअली आजकल हम लोग महाभारत देखते हैं थोड़ा सा, हाँ घरों में बोला जाता है महाभारत देखना नहीं चाहिए। सही बात है, नहीं देखना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है। सही बात है, नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो जो जो दुर्योधन की नजर से देख रहे हैं। अगर आप रियल में आपको आप चाहते हैं आपका दिमाग खुले, वैसे दिमाग खुलता नहीं ये चीज देखने से, जब तक आपको रियल लाइफ में झटका नहीं लगेगा दिमाग नहीं खुलता। फिलहाल अभी मैं सो के उठा, आंखें पूरी सूजी लग रही है, है ना। ब्रश रोज नहीं करना चाहिए, बस खाली ब्रश रगड़ लेना चाहिए, उससे क्या होता है। ब्रश किया भाई, मैं लोगों को बता रहा हूँ। ओ यही बात है दोस्तों। हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे, ड्यूटी पे थे। तो जो हम लोग को तो पहले शुरू में जब हम लोग ड्यूटी ज्वाइन किए थे तो यहाँ पे एक साथ में अभी ज्यादा वो कर दोगी ना ऊपर नीचे तो मेरा बस ऐसा यहाँ तक आएगा, तो मैं उसको टिल्ट करके रखता हूँ। क्या इतनी लंबी हाइट भी नहीं है, तुम बटली हो, मैं ज्यादा लंबा नहीं हूँ। आज मैंने पूरा प्रॉपर खाना बनाया है, दाल चावल सब्जी रोटी। तो मोस्टली हम लोग का एक चावल मिल गया, काफी अच्छा है। वो भी खा लेते हैं। सच में बाबा चावल बहुत अच्छा है, अमेज़न पे मिल रहा है बाबा चावल, उसकी बोरी मिल रही है लेकिन बहुत महंगी मिल रही है। अभी तो अमेज़न से सारे सामान बुक होते हैं भाई। अभी वो हो गया है, क्या कहते हैं, मिक्सी बुक हो चुकी है, आने वाली है। आने के बाद क्या होगा, चटनी बनाऊंगी बिही की भाई। बिही बिही बोले तो अमरूद, बिही की चटनी। हम लोग क्या अमरूद बोलते हैं, ये बिही बोलती है। बिही की चटनी बनाऊंगी यार, ठंड में पूरी ठंड बिही की चटनी, टमाटर की चटनी। और टमाटर सबसे अच्छी चटनी होती है, धनिया लहसुन थोड़ा सा हल्का सा अदरक और टमाटर, अदरक टमाटर डाल के बनाते हैं। इतनी बड़ी रोटी कौन बनाते है, देखो दोस्तों ये देखो, ये दो रोटी रोटी पराठा है, फिर लास्ट का देख रहे हैं, लास्ट नहीं इसके बाद भी, पागल बना दिए इसके बाद भी देखो अभी है, ये केवल आप लोग को पागल बनाने का साधन है। ये अभी इतनी बड़ी रोटी बताओ, उससे से छोटी बनाई होती मोटी बनाई होती पराठा, लेकिन आलसियों को क्या बताया। तो मैं बोला ना, वेयर देयर इज लव देयर इज लाइफ, वेयर देयर इज वाइफ देयर इज नो लव नो लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है, औरत मैं आपकी ग्रेणी जो है हाउसवाइफ वो लक्ष्मी का रूप है, समझ ही रहे होंगे आप लोग। ये सारे की पहले क्या करोगे भाई। क्या हुआ, ऐसे क्यों है शांत से खड़े हो गए? कुछ नहीं, वो ऐसे अभी तो सिर्फ इसमें हम, आज मैंने किसी भी चीज में मसाला नहीं मसाला डाला। क्यों डाला नहीं इसमें, क्या आज मैंने आलू किसी मटर भी, भुजिया में कभी भी मसाला डालोगे तो तुम्हारा आलू मटर का मटर स्वाद खराब हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा जीरा डाल दो, मिर्ची डाल दो और लहसुन को डाल के थोड़ा सा उसको लाल होने दो, गजब टेस्ट करता है। फिर आलू डाल दो, अगर आलू डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई कर दो, हाँ है ना, फिर उसके बाद आलू थोड़ा सा लाल हो जाए तो मटर डाल दो, फिर उसके बाद उसको हल्की आंच पे ढक दो, हल्की आंच पे बहुत अच्छा पकेगा। हाँ ज्यादा आंच पे ना बनाने को तो मैं कुकर में भी भुजिया बना सकता हूँ, लेकिन आजकल पता मसाले का खाने का बिल्कुल मन नहीं होता। मसाला छोड़ दो मेरी बात, ठीक है, मसाले का कोई मतलब नहीं है, उससे ढेर सारा समस्या है। कैसे खा रहा है, पूरा आंख बंद करके हुआ है। हाँ ये देखो, मैंने इसको मटर के छिलके डाले ना, अभी दिख रहा है बहुत स्वाद से खाता है ये मटर, देखो देखो और देख भी रहा है यहाँ। तो आज हमारा पूरा कितने बजे, 10 बजे खाना तैयार हो गया, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ, पराठे दो दो सब्जी, है ना। और बाबा भगवती मंदिर कहते हैं, हाँ सुबह का भोजन
पान की जैसे खाओ, ऐसा दबा। और रात में कम खाओ। अभी रात वाला तो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है, करना पड़ेगा क्योंकि अब हम लोग की ड्यूटी, हम लोग की ड्यूटी ऐसी है ना। नमक डालो बुटकू। नमक डाल दे। हाँ क्या है, नमक नहीं है। नाम रामायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता है आते नहीं। मेरे यहाँ से हमेशा नमक ज्यादा हो जाता है। अभी मैं ये भुजिया पता है, ये इतनी सी भुजिया है, ये तो अकेले एक परांठे में खा लेंगे। खाने भी जरूरी है ना। देखो आलू, देखो ये क्रिस्पी हो गया, देखो आलू लाल हो गया है ना। और इसका लहसुन, ये देखो ये लहसुन, हाँ ये भी क्रिस्पी हो गया। ये इसका टेस्ट बहुत गजब है, ये देखो लहसुन। हाँ हाँ भुन गया ना अच्छे से। ठंड में पता है तेल में लोग तल के लहसुन खाते हैं। मैं इतना कम तेल में आलू की भुजिया बना सकता हूँ, ढेर सारी की बता दे सकता हूँ। तेल की असल में जरूरत ही नहीं है। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत सारी सब्जियां तो खुद ही तेल छोड़ दिया पता है। इससे मट्टा को फिर निकालने में दिक्कत होगी उसको। लो ये ले लो बड़ी प्लेट। बड़ी प्लेट से नहीं, तवा ले लो, तवा ले लो, तवा से नहीं रखेंगे इसको, निकालने में दिक्कत होगी। अब इसको अपन ढक देंगे और इसको गैस बिल्कुल स्लो कर देंगे। इसको छूना नहीं है, 10 से 15 मिनट बाद तुम इसको सीधे बंद कर दो। हाँ। करने से क्या होगा कि उसके नीचे थोड़ा सा पकड़ा रहेगा कढ़ाई के नीचे, और वो बहुत मजेदार होता है ना। हाँ। गाइस बन गया है खाना। ये देखो कितनी मस्त भुजिया बनी है ना, एकदम क्रंची, एकदम टेस्टी। सच में यार बहुत अच्छी भुजिया बनी है, पता है। और आज ये पूरा खाना हम लोग लेके बैठ गए हैं। और ये दाल, चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं।